गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स हाउस। चलिए एक बार लास्ट लेक्चर का क्विक रिविजन्स लेते हैं, फिर आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ पार्टनरशिप देखा था, उसके बाद मीनिंग एज पर लॉ डेफिनेशंस हमने देखा था, उसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे कि टू कॉम्पिटेंट पर्सनस होंगे, एग्रीमेंट होगा, बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को वो शेयर्स करेंगे। उसके बाद हमने देखा था पार्टनर्स फॉर्म एंड फॉर्म नेम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर 2 एंड मैक्सिमम नंबर 100, प्रीवियसली ये 20 हुआ करता था। एंड लास्ट पे हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट्स के बारे में हमने देखा था, इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो सब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? ये एक्ट है जो कि पार्टनरशिप फॉर्म को गवर्न करता है। ठीक है, इसके बातें सम इम्पोर्ट, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं थ्योरेटिकल पर्पस से। ठीक है, चलिए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज ऑप्शनल। एक्ट में ये बोला गया है कि फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है बट नॉट अ कंपल्सरी। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि आप चाहें तो अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर्स क्या होता है वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के अपने कुछ फायदे हैं। ठीक है, टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कैन बी अफेक्टेड ऑन और आफ्टर द फॉर्मेशन। कब होगा? अफेक्टेड ऑन और आफ्टर द फॉर्मेशन, उससे पहले क्या होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, अगर सपोज दैट आपने पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट किया है 1/4/2020 को, तो क्या इसका रजिस्ट्रेशन आप 1 जनवरी 2020 से क्या करवा सकते हो? सर जवाब है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सूट बाय अगेंस्ट। कहता है नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय अनरजिस्टर्ड फॉर्म और बाय इट्स पार्टनर, बट थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड फॉर्म और इट्स पार्टनर। इसका मतलब क्या निकल के आता है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है फॉर्म का, तो आपके बिजनेस में कोई भी इफ बट होता है तो आप दूसरे फॉर्म पे, दूसरे लोगों पे आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखोगे तो आपको ये अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइनर एडमिशंस के बारे में। माइनर्स किसको बोलते हैं? माइनर्स उसको बोलते हैं जिसका एज अभी बिलो द 18th ईयर है। इंडिया में माइनर्स इसको बोलते हैं। तो कहता है अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। क्या निकल के आ रहा है? एक तो कंडीशंस ये है कि माइनर्स का एडमिशंस कब होगा? जब सारे साझेदार सहमत होंगे और ओनली फॉर द बेनिफिट्स। इसका मतलब अगर फॉर्म को लॉस होता है, लॉस के लिए माइनर्स को आप एडमिट नहीं कर पाएंगे, केवल वो प्रॉफिट में शेयर्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडमिशंस ऑफ पार्टनर। पर्सन्स मे बी एडमिटेड एज पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, इसकी सहमति होना जरूरी है, ऑल पार्टनर, और इन अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर, या उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है दो लोग मिलके कि चलिए एक बंदे को अपॉइंटमेंट करना है, तो एक आपको ये राइट दे दिया तो आप कर लोगे, अदरवाइज सबकी सहमति होना जरूरी है। वैसे रिटायरमेंट्स के भी बारे में लिखा हुआ है, अ पार्टनर्स मे रिटायर फ्रॉम आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स अमॉन्ग पार्टनर्स। नेक्स्ट है आपका डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म, एंड डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स को हम अभी होल्ड करके रखते हैं। जब हम बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट्स वगैरह कर लेंगे तो इसको एक बार हम लास्ट
लेक्चर में हम इसको करेंगे, जिसको हम कर देते हैं अभी होल्ड, क्योंकि इसको डिस्कस करने का अभी यहाँ पे राइट प्लेस नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अ ज्वाइंट एंड सेवरल, इसका मतलब दैट इज अनलिमिटेड। इसका क्या मीनिंग है वो एक बार देख लीजिए। लाइबिलिटीज के मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि सपोज दैट अगर फर्म ने व्यवसाय किया, बिजनेस किया, और इन केस उसको लॉस हो गया, ठीक है, तो अगर लॉस हुआ तो उसको कौन बॉर्न करेगा? ऑब्वियसली पार्टनर्स करेगा। लेकिन इन केस अगर ये फॉर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि ये फॉर्म अपने लायबिलिटी को पे करने में एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, उस केस में इस फॉर्म के लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स इंडिविजुअली करेंगे। अब सपोज दैट इसमें एक और भी बात आ रहा है, एक तो ज्वाइंटली एंड सेवरली का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ज्वाइंट्स एंड सेवरल का मतलब ये है, एक तो पहले ये देखा जाएगा कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी है, ये दोनों आपस में जो इनका एग्रीमेंट है उसके हिसाब से लॉस को बियर करेंगे। अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अगर ए पार्टनर सक्षम नहीं है तो भी पर्सनली सारे बी को बियर करना पड़ेगा। इतना बात क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले कुछ फिगर्स है हमारे पास, उसको एक बार देखते हैं। इस फिगर्स में आप देखिए, ये एक वीट है जिसको गेहूं बोलते हैं, उसको हम एक बोरी में रखने के बाद आटे के मील में लेकर जाते हैं, और उससे जब आटा जब फाइनल होके निकलता है तो एक पैकेट तैयार होता है, या जो रॉ आटा भी हम बोलते हैं। अब इस पिक्चर को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप ये देखिए, अगर ये गेहूं को हम एक बार देखें तो ये क्या है, हम ये मान सकते हैं कि ये आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल है। तो ये आया कैसे, तो ये आपका रॉ मटेरियल है, या इसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस रॉ मटेरियल को आपने समवेयर आपने प्रोसेस किया, कहाँ पे प्रोसेस किया, जो कि ये मिल है, इसमें आपने प्रोसेस किया और फाइनल आपके पास क्या निकल के आया, आटा निकल के आया। मतलब अगर हम ये बात करें तो आपके पास एक गेहूं है और उसको आपने प्रोसेसिंग करवाया और आपने क्या पाया, आटा पाया। अब इस पिक्चर को दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के लिए इनपुट्स क्या होगा, हमारे पास इनपुट क्या होगा, और हम प्रोसेस कैसे करेंगे, और फाइनल मेरे पास क्या निकल के आएगा। अगर हम बात करें पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास इनपुट के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फाइनल आउटपुट आपके पास क्या होगा, आंसर। लेकिन इस बीच की जो कड़ी है, जो ये मिल है, ये क्या होगा आपका प्रोसेसिंग जो होगा, कैसे करोगे आप इस प्रोसेस को करने के लिए, हमारे पास बेसिक नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सबको स्टडी करना पड़ेगा। तो रॉ फॉर्म में हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन, एंड फाइनल फॉर्म में हमारे पास क्या रहेगा, आंसर, ठीक है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको लिटरेचर्स में दिखाया, अब इसको एक बार देखते हैं कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में आपके पास रहेंगे, क्लियर, उसके बाद आपको आंसर क्या करना है, और ये बीच का जो प्रोसेस का पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें आपको करना है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखिए आपका क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम रहेगा, एक एग्जांपल है, इसके डिफरेंट तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बस मोस्टली आपको क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा। इसमें ऐसा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1st April 2020 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 lakhs एंड 2 lakhs। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 5000 पर मंथ एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 ड्यूरिंग द ईयर।
The firm earned a profit of ₹2,050 lakhs before charging salary to be an interest on capital, prepared profit and loss appropriation account, firm closed its accounts 31st March every year. तो ये सर जो अपने पास जो ये निकल के आया, ये आपके पास हमने जो दिया था, ये इसको हम इनपुट कह सकते हैं। इनपुट का मतलब हमारे पास क्वेश्चंस के फॉर्म में इनपुट रहेगा और इस क्वेश्चंस का पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ही बनाना है। इसके अलावा और भी चीजें बनाने को कह सकता है। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट है। इसके तहत आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट्स भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी बनाने को बोल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने को बोल सकता है, पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट्स बनाने को बोल सकता है, बैलेंस शीट भी बोल सकता है। अब आप सब जानते हैं, जैसे 11th में आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप फॉर्म भी एक बिजनेस ही है, तो इसके पास भी अपना जर्नल एंट्री होगा, लेजर में पोस्टिंग होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर हो सकता है। क्लियर है? तो एक बार आप फाइनल प्रोडक्ट को देख लीजिए। रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चंस के हिसाब से ये पांचों में से किसी का भी हो सकता है। इस इनपुट्स में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको बोला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को बनाना है। अब फाइनल ये मेरा प्रोडक्ट है और जैसे हमने डिस्कस किया था, इनपुट्स बिकम्स फाइनल बट इसके बीच में सम प्रोसेसिंग होगा। अब इस प्रोसेसिंग को हमको डिटेल्स में डिस्कस करना पड़ेगा। उससे पहले एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लो कि आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता है। डिटेल्स में इसका हम स्टडी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो आइए एक बार हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसा दिखता है। तो ये रहा आपके सामने एक ट्रेडिंग अकाउंट्स का फॉर्मेट है, मैंने ऐसे ही एक ड्रॉ किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे, मिस्टर मिसेस ए एंड बी कंपनी का ये फॉर्म है, मेन रोड मोतिहारी इस चंपारण, ऐसा करके लिखा हुआ है अपने पास। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स, जैसे कि आपको विदित है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में क्या क्या हमारे पास होता है, एक बार अगर आपको भूल गए हो तो रिविजन भी हो जाएगा। ट्रेडिंग में एक तो अपने पास ओपनिंग स्टॉक रहता है, उसके बाद हम ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे पास परचेज होगा वो सारी चीजें हम इसमें लिखते हैं, फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, फिर सेल्स होगा, कोई डायरेक्ट इनकम है वो होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो फाइनली ये निकल के आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? उसके बाद इन सारे चीजों के बाद आपका बहुत सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे ऑडिट फीस, बैंक चार्ज, डेप्रिसिएशन, लीगल, मोबाइल, जितने भी बिजनेस में जितने सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे यहाँ पे आपको पुट आउट करना है। ठीक है? अब ये पुट करने के बाद आपके पास जो बैलेंस फिगर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद हमको, जैसा कि क्वेश्चंस में आपको इस रिक्वायरमेंट आ रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो एक अकाउंट जो बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो उसका फॉर्मेट कैसा है वो भी एक बार आप व्यू कर ले। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये जो आपने नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से जो आपने ट्रांसफर किया था वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, लिखा भी हुआ है नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो आइटम्स है उसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसका डिटेल्स स्टडी हमको करना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कब कब देना है, नहीं देना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक बार बस अभी आपको ओवरव्यू लेना है ताकि आपको ये पता चले कि आखिर में हमको करना क्या है इस पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में। तो एक बार देखिए राइट साइड में, या इनकम साइड भी बोलते हैं इसको, तो इसमें आप देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, इस सबका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, पार्टनर का सैलरी ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, पार्टनर्स को कमीशंस, कोई रिजर्व एक्सेट्रा हो, बाकी जो बैलेंस जो बच जाएगा वो इनका प्रॉफिट, इनके पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी इनका रेट डिसाइड होगा उसमें इनको आपको बांट देना है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आपको
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको प्रिपेयर करना होगा, बस अभी ओवरव्यू हम देख रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, उसके बाद इनको जो भी इंटरेस्ट आया वो पीएल अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आएगा। कमीशंस है, सैलरी है, प्रॉफिट्स में हिस्सा है, उन्होंने कोई ड्रॉइंग किया होगा, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगा होगा, बाकी ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हमको बनाना पड़ेगा होगा। उसके बाद आप फाइनली आप ये देखिए बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आपको आता है, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा, कोई लोन्स वगैरह हैं वो लोन्स वगैरह रहेंगे, अनसिक्योर्ड लोन है वो रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकता है, अदर लाइबिलिटी हो सकता है, एसेट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, एडवांस हो सकता है, अदर एडवांस हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक भी हो सकता है। ये सारा चीज आपको ओवरव्यू दिया। एक बार फटाफट आते हैं फिर से प्रीवियस पेज पे। हमारे पास जो ओपनिंग में हमारे पास रॉ डेटा क्या है, हमारे पास रॉ में है आपके पास क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस आपको रॉ में रहेगा, आपको प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग को हम आगे देख रहे हैं कैसे करना है, फाइनल आउटपुट। आपको फाइनल आउटपुट में क्या क्या रहेगा, पहला ये भी हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग भी बोल दे बनाने को, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल दे, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं बनाने को, एंड फाइव एंड लास्ट बैलेंस शीट्स। क्लियर है? बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये वाला पोर्शंस कवरअप नहीं होगा। ट्रेडिंग एंड पीएल ऑलरेडी आपका दिया रहेगा या उसका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको बेसिकली ये तीन चीजों के बारे में पूछा जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट्स बनाओ। तो इसके बारे में हम डिस्कशन डिटेल्स में एक एक टॉपिक को उठा के हम करेंगे। चलिए।